ओके जी, हमने पढ़ा कि एक्सेस एल्डोस्टेरोन की वजह से हाइपोकैलेमिया हो जाएगा और एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे, पहले देखते हैं एक्सेस एल्डोस्टेरोन। एक्सेस एल्डोस्टेरोन का क्या मतलब है कि सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है और पोटाशियम की एक्सक्रीशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम में पोटाशियम की कमी हो जाएगी। अब हमने देखा कि जो हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं हार्ट का, मसल का या किसी भी चीज़ का, तो उसमें क्या होता है कि रीपोलराइजेशन में पोटाशियम को बाहर की तरफ भेजना होता है और पोटाशियम बाहर की तरफ जाता है। अब पोटाशियम बाहर पहले ही बहुत कम अमाउंट में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पोटाशियम जो है वो बाहर चला जाएगा और सेल में कम रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मसल वीकनेस हो जाएगी। एक्सेस एल्डोस्टेरोन में मसल वीकनेस हो जाएगी। उसके बाद जो है, अब जब एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है कि सोडियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा और पोटाशियम जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा। जब पोटाशियम एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटाशियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब पोटाशियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी उसमें, तो रीपोलराइजेशन में पोटाशियम बाहर नहीं आ पाएगा, वो अंदर ही रहेगा, रीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगी, तो हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा, जिसकी वजह से कार्डिक टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और कार्डिक टॉक्सिसिटी कब होती है, जब पोटाशियम का लेवल 60-100% अबव नॉर्मल हो जाता है, तो तब जो है सीरियस कार्डिक टॉक्सिसिटी होती है। उसके बाद है एक्सेस एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस ट्यूबुलर हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन। हाँ जी, तो एल्डोस्टेरोन जो है वो पोटाशियम के साथ साथ हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन भी करता है इंटरकैलेटेड सेल्स ऑफ किडनी की। तो जब हमारे पास एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा, मतलब पोटाशियम ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, तो उसके साथ हाइड्रोजन भी ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि बॉडी में एल्कलोसिस हो जाएगी, पीएच कम हो जाएगी। उसके बाद एल्डोस्टेरोन जो है स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स पे इफेक्ट करता है। इनमें भी इसी तरह सेम इफेक्ट होगा इनका, कि ये सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन करा देगा और पोटाशियम की जो है एक्सक्रीशन करा देगा। उसके बाद आते हैं सेलुलर मैकेनिज्म पर एल्डोस्टेरोन एक्शन। सबसे पहले जो है ये किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म करता है, कि सबसे पहले हमें पता है कि एल्डोस्टेरोन स्टेरॉइड है, लिपिड सोल्युबल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज कर जाता है। सेकंड, उसके बाद ये अंदर पड़े होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स। यहाँ पर देखें, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ जाके एल्डोस्टेरोन बाइंड कर जाता है, और हमें पता है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड के साथ ही बाइंड करता है। तो हमने पढ़ा था कि कोर्टिसोल जो है वो भी बाइंड कर सकता है, लेकिन 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डीहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी की वजह से 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डीहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी की वजह से वो इसके साथ बाइंड नहीं कर पाता। अच्छा जी, अब उसने एल्डोस्टेरोन ने बाइंड कर लिया है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ, उसके बाद वो जाएगा न्यूक्लियस में डिफ्यूज़ कर जाएगा थर्ड स्टेप में, और वहाँ जाकर क्या कराएगा कि वो ट्रांसक्रिप्शन कराएगा और मैसेंजर आरएनए बनवा देगा। फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए साइटोसोल में जाएगा, साइटोसोल में जाकर प्रोटीन बनवा देगा। प्रोटीन कौन कौन सी बनवाएगा, ये सोडियम के चैनल्स बनवाएगा, इंक्रीज कर देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम की जो है वो डिफ्यूज हो सके, और उसके अलावा एटीपीएस पंप बना देगा और बहुत से एंजाइम्स बना देगा। उसके बाद ये सब था इसका जीनोमिक एक्शन। ये जो नॉन जीनोमिक एक्शंस किस तरह परफॉर्म करते हैं एल्डोस्टेरोन के, जो ये नॉन जीनोमिक एक्शन जो होते हैं रैपिड होते हैं, फ्यू सेकंड और मिनट्स में हो जाते हैं। और ये नॉन जीनोमिक एक्शंस किस तरह होते हैं, ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम के जरिए होते हैं। सेकंड मैसेंजर जो है वो साइक्लिक एएमपी का भी हो सकता है, और उसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स सेकंड मैसेंजर भी हो सकता है। ये क्या करता है कि सबसे पहले आके साइक्लिक एएमपी की सेकंड मैसेंजर के साथ जो है और उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, वो अंदर जो है साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ाता है, प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करवाता है, और इस तरह इसका पूरा प्रोसेस एक्टिवेट कराता है। उसके बाद हमें देखना है कि रेगुलेशन किस तरह होती है एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन की। रेगुलेशन इसके चार फैक्टर्स होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था स्टार्ट में कि जो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन है वो उसे चार फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले है पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन। जब पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन करवाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोटाशियम जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाए। उसके बाद आता है एंजियोटेंसिन 2 की कंसंट्रेशन। एंडोस्टेंसिन 2 जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये एल्डोस्टेरोन को भी बढ़ाएगा, ताकि वो है सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन करे और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराने में मदद करे। उसके बाद आता है कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन। सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो है स्मॉल इफेक्ट करती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी तो ये एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगी, ताकि ये ज़्यादा सोडियम रीअब्सॉर्ब ना करे। फिर उसके बाद एसीडीएच का भी स्मॉल रोल होता है इसमें,
कि वो कंट्रोल करे। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है पोटाशियम आयन और एंजियोटेंसिन टू का।